उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यहीं पर है पवित्र संगम, जिसके कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर है मानपुर गांव। हरे भरे खेत, कच्चे पक्के मकान और गांव के साथ साथ बहती यमुना इस छोटे से गांव के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसी गांव में घर है कृष्णा का, वो कृष्णा जो अपने दोस्तों के साथ यमुना में नहाता था। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में उसने पढ़ाई की। वो स्कूल अब खंडहर में बदल चुका है और नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। मानपुर के बाद लखनऊ और फिर कानपुर में हायर एजुकेशन के बाद कृष्णा पहुंच गया देवरिया। और बन गया डॉक्टर कृष्णा सिंह। ये सोच के जाना कि नहीं हमारी डेथ हो जाए तो हम काम ना करें, ऐसे फीलिंग मेरे में कभी नहीं आई। कहते हैं काम है तो हम हैं। जब वो हेल्दी नहीं रहते हैं तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। यही वर्ड तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, थकान वाला। बोलते हैं फायदे के लिए हर काम नहीं किया जाता, कुछ फर्ज होता है अपना। कभी जब भी आते थे तो हजारों लोगों को दवा बांट के जाते थे, तीन तीन गाड़ी दवा लेके आते थे बड़े पापा। हम लोग तो उनको भगवान की तरह मानते हैं। हर एक को आइए माता जी, आइए बहन जी। पंक्चुअलिटी तो डॉक्टर साहब से कोई सीखे। साहब जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। अपने लिए तो लोग सभी करते हैं, पूरे परिवार के लिए उन्होंने जिस तरह से किया है ना, कोई नहीं करता। पूरा देवरिया, पूरा पूर्वांचल उनका सम्मान करता है। स्टेशन में उनको टीटी घेर लेते थे, अब उन्हीं को देखने लगते थे, आंखें हम देखे। जनपद देवरिया की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने बहुत अच्छा किया देवरिया में कॉलेज बनवा के। सर स्कूटर चलाते थे, पीछे हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके पीछे बैठ जाते थे। ऑपरेशन करके 1-2 बजे रात में हम लोग आते थे। वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा आई सर्जन बना। मोर देन 2 लाख कैटरक सर्जरी हैज कंप्लीटेड। अब तो सपने सारे पूरे हो गए, अब क्या करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण है डॉक्टर के सिंह, जिन्होंने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल की। बर्थ मेरा लखनऊ में हुआ। माय फादर वाज इन सर्विस देयर एट लखनऊ। हम लोग आपसे आपस में खेल कूद करते थे, समय बीतता था, बाकी किसानी का काम कुछ नहीं। समय अच्छा जानते थे, यमुना जी में नहाते थे। हाँ हाँ नहाते थे, अच्छी तरह से तौड़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस पार से उस पार चले जाते थे नदी में तैर करके। अब प्राइमरी तक यहाँ पढ़े हैं, फिर डॉक्टर साहब अपना लखनऊ चले गए पढ़ने। फिफ्थ के बाद फिर सिक्स क्लास से ले करके अप टू द BSc लखनऊ में पढ़ा है, और उसके बाद चले गए GSBM मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर के सिंह बहुत सीधे साधे सिंपल से स्टूडेंट थे, कोई खुराफात नहीं करते थे। मैंने GSBM मेडिकल कॉलेज से स्पेशलाइजेशन किया, MS ऑप्थोलॉजी में किया, और उसके बाद से जो है मैं प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में आ गया, और वहाँ से मेरी पोस्टिंग जो है वाराणसी होते हुए, और फिर मैं देवरिया आ गया। देवरिया मैंने जो है 30 साल के करीब मैंने अपनी सेवाएं दिया। सेवा देने के बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया 2001 में आई रिटायर। बचपन से लेकर जवानी तक निरंतर संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद
डॉक्टर के सिंह की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो मृदुला जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा था, आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आया तो फिर मैं फेड अप हो गया। तो मैंने कहा कि अब मैं शादी करूंगा तो मैं लड़की को नहीं देखूंगा, और वाकई में मैंने नहीं देखा। बस इनके फादर मदर ने बताया, और इनके अंकल वहाँ रहते थे कानपुर में, तो उन्होंने उनको पता लगा तो हमको बुलवाए तो चले गए मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब अभी तो हमको आगे पढ़ना है तो हम शादी करके क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है शादी के लिए जो है हाँ कर दीजिए और हम लोग सपोर्ट करेंगे आगे के लिए। फिर हमने हाँ कर दिया, घर वालों को बता दिया, फिर 9 जून को शादी हो गई। वाकई में जैसा धर्म पत्नी होना चाहिए उस तरह का अपना धर्म निभाती है जो है। उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो मुझे हर्ट करे। पूरा घर का मैनेजमेंट, मतलब इकोनॉमिक मैनेजमेंट और सारे मैनेजमेंट सब कुछ वही करती हैं। जब बच्चे इस लायक हुए कि उनको मतलब एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़े, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम सब चीज़ में बहुत स्मार्ट हो, घर देख लेती हो, बाहर भी देख लेती हो, अपने फैमिली भी देख लेती हो, लेकिन ये है कि अगर बच्चों को तुम अच्छा निकाल दो तब मैं मानूंगी तुम हर चीज में स्मार्ट हो। चाहे उनका परिवार हो, सहकर्मी हो या सहपाठी, सभी डॉक्टर कृष्णा सिंह के सौम्य और दयालु स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमको लगता है कि माता पिता से कम नहीं है, करीबन 7-8 साल के होंगे तब से जो है हम यहाँ पे आए, 35-36 साल हो गया यहाँ रहते हुए। सब कुछ यहीं पे अपना जिंदगी जो है पढ़ा लिखा और हर चीज किया, जो भी कुछ हमारे पास है वो डॉक्टर साहब की देन है। मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, अपने परिवार से लेकर के अदर लोगों को भी जो है उन्होंने हेल्प किया है। अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचन द्वयम्, दो वचन है, परोपकाराय पुण्याय, पापाय, पर दूसरे को पीड़ा देना पाप है, दूसरे को उपकार करना ही पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान कोई पुण्य नहीं। अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ सेवा किया है। बहुत प्यार करते हैं, जैसे आते हैं तो ये नहीं कि ऐसा नहीं लगता कि हम इतने बड़े आदमी हैं, अपने घर वालों के लिए ना गांव वालों के लिए। 94 में बाबा का देहांत हुआ, उसके पहले वो सभी भाइयों को मनी ऑर्डर किया करते थे। उस समय 94 पहले 200 रुपया मनी ऑर्डर उनका आता था सब भाइयों के नाम अपने, और चिट्ठी उनकी बहुत सारी होंगी, पापा के पास तो रखी होंगी, समय समय पर चिट्ठी लिखते रहते थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद के भेजा है छोटे भाई के लिए, अभी खेती का काम वो देख रहा है। उनसे किसी ने नहीं कहा, अपने आप उनके दिमाग में आया, तो एक दिन फ़ोन किया उन्होंने और दूसरे दिन ट्रैक्टर भेज दिया। जब यहाँ के लोग उनसे मिलने जाते हैं तब भी उनको ये नहीं लगता कि हम इतने बड़े आदमी हैं, सबको खाना पीना खिलाएंगे, व्यवस्था कराएंगे रहने की, यहाँ तक कि किराया दे के भेजते थे। सब लोग बड़े प्रसन्न होकर आते हैं वहाँ से। गरीबों के इलाके में हम लोगों से कहते थे कैंप लगाइए, फ्री में हम गरीबों की वो आँख की चेकिंग करेंगे, उनको चश्मा देंगे। हर साल जाड़े में कहीं ना कहीं कैंप डॉक्टर के सिंह जी ने लगा करके जनसेवा की है। ये है जनसेवा की भावना। और आज भी डॉक्टर के सिंह जी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कोई कमाई का साधन नहीं है। दवा वितरित करते थे, अपने आसपास क्षेत्र के सभी लोगों को देख लेते थे जितना हो सके, 100-200-500 आदमी। वहाँ कभी जाते तो दवाएं ले जाते थे, तो नेसली गांव के लोग पहुँच जाते थे तो कुछ दवा उनको चाहिए थी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन सब चीज़ों की दवाएँ ले जाते थे, आँख की दवाएँ ले जाते थे, तो उनको दे करके फ्री बांट देते थे कि आप लोग ले जाइए इस्तेमाल करिए इसको। देवरिया में जिसने इलाज कराया, वो जैसे मैं देवरिया में रहा, आज नोएडा में हूँ, तो अगर कोई होगा तो उनके बारे में मैं बताऊँगा। उसी तरीके से उनके कई मरीज जो फैले हुए ऑल ओवर इंडिया, वो रेफरेंस देते रहते हैं। इस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा पूरे ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि एक मरीज 100 मरीज को मल्टीप्लाई करता है। मैं देखता था कि उनके यहाँ सैकड़ों लोग जो है ओपीडी में लाइन लगा करके बैठे होते थे, और दूर दराज के देहात के लोग उनके यहाँ
सुदूर क्षेत्रों से, वहाँ देवरिया जो उनका क्लिनिक घर पे ही उन्होंने बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, उसमें आते थे। हमको लगता है कि कई सौ डॉक्टरों को जुटाया जाए तो जो इनकी बाणी की मिठास थी, जो भाव था, वो कम लोगों में मिलेगा। अब डॉक्टर साहब से देखिए प्रेरणा हमेशा बराबर देते हैं और जो हेल्प चाहिए वो हेल्प भी करते हैं। डॉक्टर साहब इसी से पीछे कभी नहीं रहे, मतलब हमेशा हेल्प करते हैं। हम अपने 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 जैसा लगता है कि हाँ एकदम डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब के व्यवहार से आते हैं हम लोग, हाँ अच्छा देखते हैं, अच्छे से सब देख कर के इलाज करते हैं। अपने बहन को भी यहाँ पे लेके आया हूँ, उसके बाद से अपने चाची को भी लेके आया हूँ और आसपास में जो भी हमारे अगल बगल में है उनको भी बताता हूँ कि यहाँ से जाइए, बहुत अच्छा दवा होता है यहाँ पे। जीवन में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद कभी कभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें भीतर तक तोड़ देता है। उनको एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर रितु के रूप में ईश्वर ने दिया। सबसे बड़ा लड़का था आशीष सिंह, आशीष नाम उसका था। MBBS कर लिया था उसने, MS कर रहा था, ऑप्टोमोलॉजी में ही फर्स्ट ईयर को ही कंप्लीट कर लिया था। इसको जो है लीवर की प्रॉब्लम हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस हो गई और बहुत ट्रीटमेंट कराया, वहाँ कराया, संजय गांधी में कराया। जब ये फाइनल ईयर में था और इसको थीसिस जमा करना था तो थीसिस जमा हो गई थी, लेकिन थीसिस के बाद में ऐसा बीमार पड़ा कि वो रिकवरी नहीं हो पाई। फिर उसको वहाँ से ले आए संजय गांधी PGI में, फिर वहाँ ही वाज नो मोर। लेकिन उन्होंने बिखरे टुकड़ों को फिर से समेटा और हिम्मत करके आगे बढ़ गए। रितु का तो मन ही नहीं था मेडिकल में जाने का। वो मेरे में कहीं ना कहीं डॉक्टर देखते थे। मेरी फिंगर्स लंबी हैं तो मम्मी कहती थी अच्छी पेंटर बनेगी, पापा कहते नहीं अच्छी सर्जन बनेगी। बहुत मेहनत से इसको डॉक्टर बनाए और ये बड़ी ही प्रतिभाशाली भी है। उसके बाद फिर जो है शादी की बात आई, बहुत लड़के देखे होके नहीं जचा। बीच में जो है डॉक्टर वेद की बात आई। हमने कहा डॉक्टर साहब ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा लड़का आपको मिलेगा और एक बहुत अच्छा डॉक्टर है वेद। यहाँ पे गोरखपुर में एक शादी थी, मेरे बैचमेट डॉक्टर रजत की शादी थी, तो पता चला कि वेद भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो दोनों बात हो जाएगी, वेद को देख भी लेंगे। वहीं पे मेरी मुलाकात डॉक्टर के सिंह साहब से हुई और मुझे अच्छे लगा लड़का, तो हमने वाइफ को बताया, हमने कहा नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है। मुझे मिलते ही उनसे एक आत्मीयता का भाव मिला जैसे अपने पिता से ही मिलने पे लगता है। वे जैसे महात्मा टाइप के हमको दामाद मिले, पूरी जिंदगी मेरी सुधार दी उन्होंने। ॐ समीर्धाग्निं ध्रुवशतघृतये बोर्धयातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहादमग्ने जातविद्धेदं मम आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। पापा बहुत बिजी रहते थे, उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि क्या है, मतलब सबके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, बट पापा शायद नहीं जा पाते थे क्योंकि उस समय उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, वो फ्यूचर देख रहे थे हमारा। ही इज़ लाइक अ कोकोनट, बाहर से बहुत हार्ड हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। आई रिमेम्बर अ इंसिडेंस जहाँ पे उन्होंने गुस्से में, क्योंकि जब यंग थे तो थोड़ा खून उनका भी गर्म था, तो उन्होंने शायद कुछ पूछा, कोई इंस्ट्रूमेंट पूछा कैंप में जाने से पहले, वो नहीं लाया था वो, और गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बट ही फेल्ट सो बैड अबाउट दैट। वो शाम को ही आकर के उन्होंने बोला रितु तुम्हारी घड़ी ना पुरानी हो गई है, तुम ये मुझे दे दो। तो मैंने वो घड़ी उनको दे दी, वो ले जा करके उन्होंने उस बंदे को दे दी, जस्ट जेस्चर टू से सॉरी। अगर मैं मांगना चाहूँ ऊपर वाले से तो मैं तो ये कहूँगी कि मम्मी पापा मेरे हमेशा मेरे साथ रहें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर के सिंह की सुबह चाय और अखबार के साथ होती है।
उसके बाद वो नियमित रूप से कुछ देर योगा करते हैं। फिर नहा धोकर नाश्ता। नाश्ते से पहले इंसुलिन और अपनी दवाएं लेना भी अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इस तरह वो तैयार होते हैं नए दिन की नई चुनौतियों के लिए। फिर यहाँ जो पेशेंट आ जाते हैं उनको पहले अटेंड कर लेते हैं, आधी छोड़ पूरी को धावे और कुछ ना मिले, है ना, कहावत है। तो मैं पहले इन लोगों को देख लेता हूँ जो दूर दूर से आते हैं, फिर मैं कॉलेज चले जाता हूँ। और कॉलेज जाने के बाद इधर कुछ दिनों से हमने जो है 2 घंटे का समय जो है वेदांत में देता हूँ और फ्री में देखता हूँ, फ्री सर्विस करता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आँख के मरीज आ गए, कोई जनरल पेशेंट भी आ गए, उनको भी देख लिया, उनको भी दवा लिख दिया। उनके जैसा हार्डवर्क अगर कोई इंसान 10% भी कर ले वो एकदम टॉप लेवल पे पहुँच जाएगा। जब भैया की शादी थी तो बाहर टार्च लेके वो मरीज देख रहे थे, एक तरफ बारात जा रही दूसरी तरफ डॉक्टर साहब से 50 मरीज इकट्ठा हो गए हैं, तो ऐसे ही देख जल्दी 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 उनको विदा कर रहे हैं, वहाँ देर हो रही है। उसके बाद बड़ी मम्मी किसी ने बताया कि वो तो जा ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं। अब वो उनके पास एक पैड था मेडिकल वाला, उसी भी लिख लिख के दवाएं दे रहे थे, टार्च से देख रहे थे। फिर वो आई तो उन्होंने किसी तरह कहे कि उनको बारात भेजा। सर्जरी करके स्कूटर पे आना, कभी कोई बहुत हाई हेडेड नहीं रहे। उस जमाने में गाड़ी नहीं थी तो सर स्कूटर चलाते थे हम लोग, स्कूटर की लाइट भी बहुत धीमा थी, हम लोग दोनों तरफ से टार्च बारते थे। जब जान जाते थे लोग साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर के सिंह आ रहे हैं, तो 4-5 गांव के लोग वहां पे जुट जाते थे, सर हमारा ऑपरेशन बहुत जरूरी है। सबको साहब देखते थे, जिनको मोतियाबिंद रहता था साहब किसी को ना नहीं करते थे और हारते भी नहीं थे। मुझको थकान नहीं लगती है कि अरे आज मैंने बड़ा काम कर लिया, मैं थक गया हूँ, मेरे हाथ पैर दबा दो, ऐसा नहीं कभी फील किया मैंने, थकान नहीं फील किया। उसी दिन सबका ऑपरेशन कर देते थे, चाहे 2 बज जाए रात, 2:30 बज जाए रात, लेकिन साहब सबको ऑपरेशन करके तभी घर आते थे। उस रूम की जो खिड़की थी वो दूर तक दिखती है, मैं वहाँ 2-2 बजे 1:30 बजे रात तक बैठी रहती थी, जब तक डॉक्टर एंटर नहीं कर जाते थे घर में या इनके स्कूटर नहीं दिख जाता मुझे, तब तक उठ के नहीं आती थी। परेशानियों में भी साथ दिया उन्होंने जो है, है ना, और अब भी जो है सब साथ है, कोई हमें परेशानी नहीं होती। उनका वो जज्बा है, वो सोसाइटी को सब कुछ देना चाहते हैं, मतलब वो मुझे तो ऐसा लगता है वो आखिरी सांस भी ना मरीज देखते हुए ही निकालने वाले हैं। डेथ इज अनदर थिंग, पर्सन लिव आर नॉट लिव, माय नेम मिल गई है, दैट वाज ओनली, आई नेवर थॉट अबाउट माय डेथ एंड अबाउट माय एज। वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, मरीजों पर ध्यान देते हैं, मगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो मुझे उनकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला, उसमें मैंने जाना कि वो कितने उच्च कोटि के इंसान हैं। करीब 11 बजे रात को मैं सो रहा था तो एक यहाँ बहुत फिजिशियन, बहुत सीनियर फिजिशियन थे, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब को जो है सीने में दर्द हो रहा है, लग रहा है हार्ट अटैक हो गया है। उस ज़माने में यूरोकाइनेज मिलता था, एक दवा ऐसी होती है जो नस में लगा दी जाती है तो तुरंत नसें खुल जाती हैं। तो मैं वहाँ से पूरा मॉनिटर और पूरा जो है हर एक पैराफर्नेलिया के साथ और सब लेके यहाँ पर पहुँचा। डॉक्टर साहब उस समय बिल्कुल बहुत सीरियस थे, बीपी वगैरह बिल्कुल अनरिकार्डेबल था, हम लोगों ने डोपामिन ड्रिप लगाया, डोबिकामिन ड्रिप लगाया और फिर बीपी जब नॉर्मल हुआ तो हम लोगों ने यूरोकाइनेज इंजेक्शन लगाया और लगाने के तभी जो है 1-2 घंटे तक थोड़ा रेस्टलेस ही रहे, 2-3 बजे तक होते होते धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद तो बिल्कुल डॉक्टर साहब जो है कहे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं और वो ब्लेसिंग्स ही है जिसकी वजह से वो आज आफ्टर हैविंग 5 stents इन हिज हार्ट ही इज स्टिल वर्किंग विद ऑलमोस्ट 80 पेशेंट्स एवरी डे एंड 2-3 सर्जरीज एवरी डे। टिल माय लाइफ आई डू द ऑपरेशन, माय हैंड्स वर्क, माय ब्रेन वर्क, माय ऑल द सिस्टम वर्क, देन आई विल डू द वर्क। हमने उनसे कहा कि मरीजों की सेवा के साथ साथ आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने अगर स्वास्थ्य में ध्यान देंगे तभी आप ज़्यादा लंबे समय तक मरीजों की सेवा और हम लोगों से बातचीत कर सकेंगे। साल 2020, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था,
ऐसे में जब देवरिया जिला प्रशासन ने उनसे उनका नव निर्मित वेदांक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए मांगा, तो डॉक्टर के सिंह ने अपना 100 बेड का हॉस्पिटल प्रशासन को सौंपकर उदारता और समाज के प्रति अपने दायित्व का परिचय दिया। प्राकृतिक विपदा कोरोना काल को हम कह सकते हैं, और मेरी अपनी जानकारी है कि डॉक्टर के सिंह साहब कोरोना काल में जब प्राइवेट हॉस्पिटल मैदान छोड़ के भाग गए रहे थे, निर्माण काल में डॉक्टर के सिंह जी ने वेदांत हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया। ऐसा कोई करता है क्या? एक काम उसने और अच्छा किया कि उसने फीमेल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, जो कि आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो गाँव की लड़की होती हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं दूर तक, और फीस भी ज्यादा होती है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इन देवरिया एक ही कॉलेज है गर्ल्स के लिए। उनका इंस्पिरेशन था गर्ल्स का एजुकेट करना है। करीब 20-22 टीचर्स हैं और करीब 250 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, और ऑप्टोमेट्री जो है आई के जो बच्चे हैं उनको कभी क्लासेस भी लेता हूँ उनका। जो है सांस की प्रणाली जिसमें कि एक चेस्ट होता है, और चेस्ट के अंदर जस्ट लाइक द केज सराउंडेड बाय द बोन्स, सराउंडेड बाय द बोन्स, इसको बोलते हैं वेना केवा। सुजीदर वेना केवा देनिंग द कैरी द ब्लड फ्रॉम द हेड एंड द नेक। सुजीदर वेना केवा We have ANM program and GNM program. ANM program 2 साल का है, GNM 3 साल का है। So 2010 में start किए थे, अभी we are running the 11th batch. So in ANM program 2016 में start किए थे। I have to share here, हमारे कॉलेज से more than 800 nurses are trained and they are working in all over UP and all over India. Even abroad also. डॉक्टर के सिंह ने ऐसा किया है कि हम लोग ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और कॉलेज प्रैक्टिकल्स सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं यहाँ। फिर चले जाते हैं अपने राघव नगर हॉस्पिटल पे, वहाँ मरीज देखते हैं। वहाँ मरीज जो हमको रात में 9-10 बज जाता है, ऑपरेशन हम शाम को ही कर पाते हैं, दिन में नहीं कर पाते हैं। तो समय जो है भागता चला जाता है। डॉक्टर के सिंह की ख्याति आज दूर दूर तक फैली है, वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसका हम चाहकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस संघर्ष की पीड़ा का एहसास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को है। हमेशा हैंड टू माउथ ही रहता था मैं, आई वाज ऑलवेज हैंड टू माउथ। हॉस्टल में सैटरडे के दिन मैं खाना नहीं खाता था, इतने पैसे नहीं होते थे। This was my life. इसलिए मुझे लाइफ से कोई डर नहीं लगता है। मैं रहूं ना रहूं, नाम तो रहेगा, लोग जानेंगे। दोस्त लोग रहते थे, कहते थे कि अरे चलो यार, अगर नहीं यार भूख नहीं है, आज मेरा व्रत है, आज बना ठीक है। आई हैव नेवर सेड, मैंने कभी उनको आई लव यू नहीं बोला है, बट आई थिंक थ्रू दिस वीडियो आई विल से आई रियली लव यू। एंड शायद कभी हग भी नहीं किया है पापा को, पर Really love you. Really love you.